ये चीजें बाहर के देशों में कैसी दिखती है ये जानकर आप शॉक हो जाओगे। पहले फुटबॉल मैच में फुटबॉल ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों हुआ करते थे, और अगर आप इस देश में रहने जाओगे तो आपको एक घर और कार मिलेगी, और प्लेन में चप्पल क्यों नहीं पहन सकते। भाई ये वीडियो बहुत मजेदार है तो एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, आपने देखा होगा कि पहले फुटबॉल मैच में फुटबॉल ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे जबकि आज कलरफुल आते हैं, पर आखिर ऐसा क्यों? तो पुराने टाइम में लोगों के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही हुआ करते थे, इसीलिए फुटबॉल मैच में फुटबॉल अच्छे से दिख सके इसीलिए तब फुटबॉल को ब्लैक एंड व्हाइट बनाया जाता था। जबकि आज के टाइम में सभी के पास कलर टीवी है इसीलिए फुटबॉल को भी बहुत अच्छा बनाया जाता है। नंबर 3, अगर आप इस देश में रहने जाते हो तो आपको एक घर और न्यू कार मिलेगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। असल में चीन के सुपर विलेज में लोगों की कमी होती जा रही है, इसीलिए इसे फिर से ट्रैक पर लाने के लिए चीन ने एक ऑफर निकाला है कि जो भी इस विलेज में रहने आएगा उसे एक घर और न्यू कार दे दी जाएगी। तो कौन कौन जाना चाहता है अब भी कमेंट करो। कर दिया, ठीक है। नंबर 2, आखिर प्लेन में चप्पल क्यों नहीं पहन सकते। असल में प्लेन क्रैश की जितनी भी घटनाएं हुई है उसके आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो प्लेन में चप्पल पहनकर ट्रैवल करता है वो शूज पहनने वालों के कंपैरिजन में जल्दी नहीं चल पाता, और टाइम पर प्लेन से बाहर नहीं निकल पाता और हादसे का शिकार बन जाता है। इसीलिए कुछ कंट्रीज में प्लेन में चप्पल पर ही बैन लगा दिया था, लेकिन ये चीज लोगों को पसंद नहीं आई इसलिए इसे फिर से चलाना पड़ा। वैसे आपने कभी प्लेन में सफर किया है, एक बार कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1, ये चीजें बाहर के देशों में कैसे दिखती है ये जानकर आप शॉक हो जाओगे। तो सबसे पहले है कोको क्रिस्पी। इंडिया में कोको क्रिस्पी ऐसी दिखती है, लेकिन अमेरिका में इसे कोको पॉप से भी जाना जाता है। इसके बाद है फ्रोस्टेड फ्लेक्स, जो इंडिया में ऐसे दिखते हैं, लेकिन यूरोप में ये फ्रोस्टीज के नाम से फेमस है, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। और लास्ट में है लेस, जो इंडिया में क्लासिक पोटैटो चिप्स है, लेकिन चाइना में इसे अमेरिकन क्लासिक फ्लेवर कहा जाता है।